मुनु क्या बनेगी? चलो भाई घर की सफाई करेंगे, चलो अंदर चलो। इतना टाइम लगता है रिस्पांस देने में। तो भाई ले लिया हूँ मैं झंडा, घर में जाके फहराऊंगा, ठीक है। जय वंदे मातरम। दोस्तों रात से पानी गिर रहा है, पता छूट ही नहीं रहा है, बतख लोग बाहर आ गए हैं, मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया है और ही गाय माता भी पानी में नहीं भीगेगी इसलिए झाला बना दिया था, और उसको अभी पानी छूटेगा ना तो मैं थोड़ा सा घास काट के ला दूँगा खाने के लिए। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मोबाइल चार्ज नहीं है ना तो चार्ज करने के लिए गाड़ी में लगा देता हूँ, गाड़ी के बैटरी में, क्योंकि रात भर से लाइट नहीं है और मेरा बैटरी जो है ना मोबाइल का 4% बचा हुआ है। हे गाइस कैसे हो आप सब, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं आज घर पे हूँ, छुट्टी लिया हूँ, ठीक है। और पानी भी देख ही सकते हैं, रात भर पानी गिर रहा है और मेरे घर पे मम्मी पापा भी नहीं है तो घर पे ही रहना है बोल के गए हैं, इसलिए मैं आज काम पे नहीं गया हूँ और छुट्टी भी ले लिया हूँ, ठीक है। आज घर पे रहकर दिन भर की जो भी एक्टिविटी रहकर सारा चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा। और फिलहाल मैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए आ गया था क्योंकि लाइट ना रात भर से नहीं है और यहाँ पे जब भी पानी थोड़ा सा भी गिरता है ना तो लाइट काट देते हैं, पता नहीं किस लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूँ और आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहेगा। आज दिन भर मैं क्या करता हूँ सारा चीज़ आप लोग को दिखाऊंगा। और फिलहाल मैं चार्ज लगा लेता हूँ और दिखाई देता हूँ आप लोग को कितना तेज पानी गिर रहा है, देख ही सकते हैं बहुत ही तेज गिर रहा है। दोस्तों फिलहाल थोड़ा सा पानी रुक गया है और अभी गैया को जो है ना बाहर लेके नहीं जाऊँगा क्योंकि पूरा घास भीगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा घास काट के ला के इसको देता हूँ खाने के लिए, नाश्ता हो जाएगा सुबह का, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा धूप निकलेगा फिर इसको बाहर कर दूँगा। फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा घास लेके आ गया हूँ, ठीक है, इसको दे देता हूँ नाश्ता के लिए। चलो 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 आ जाओ, तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आया हूँ, ये खुश हो गई है। चलो तो फिलहाल दोस्तों थोड़ा सा खा लेके उसके बाद बाहर ले जाऊँगा। खाते रहो अच्छे से। दोस्तों मैं घर में रहकर आज बोर हो जाऊंगा तो मैं सोच रहा हूँ कि ना आज घर की ना पूरा सफाई कर दूँ क्योंकि मकड़ी का जाला जो है ना बहुत ही ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मैं और फिलहाल मुनु सफाई करेंगे। मुनु कहाँ पे है? मुनु क्या बनेगी? चलो भाई घर की सफाई करेंगे, चलो अंदर चलो। रुको तुलसी में नहीं लगाते, उसको सफाई करने वाला है। क्या बनी है मुनु? चलिए ओए गिर रहा था अभी फिसल के, देखिए काम वाली बाई बनने के चक्कर में। चलो आओ जल्दी। तो दोस्तों आज मैं और मुनु पूरा घर की सफाई करूंगा, ठीक है। और फिलहाल फिलहाल मुनु काम वाली बाई बन चुकी है। बाई बाई पूरा सफाई कर देना, ठीक है भाई। क्या 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 नाम है तुम्हारा? मेरे चंपा। चंपा भाई पूरा सफाई करना घर की, ठीक है। तुम्हारा हेल्प मैं भी करूंगा, ठीक है। देखता हूँ दोस्तों हमारी काम वाली भाई चंपा भाई क्या कर रही है। अरे भाई बहुत सारा सफाई कर रही है, पूरा रसोई घर इधर से उधर पूरा सामान इधर से उधर कर दिए है मेरे काम वाली भाई। जल्दी से सफाई करो, ठीक है। 2 रुपीज मिलेगा तुमको आज, 1 लाख चाहिए। काम वाली बाई होके तुम मेकअप कर रही हो, पाउडर क्या है देखा हाथ में देखा, पाउडर लगा रही है और वो देखो पूरा मैं सफाई कर दिया हूँ, तुम 2 लाख रुपया ले रही हो। तो चलो तुम्हारा काम कोई नहीं, पाउडर लगा के ना मेकअप कर रही है, ये देखो तुम्हारा काम कचरा तैयार कर दिया हूँ, जाओ फिर क्या जाओ मेरी काम वाली बाई। हाय रे बोलो, हाय मेरी कालू बोलो तो एक बार, कहाँ पे फेंकोगे पता है ना? चलो फेंक के आओ, मैं पूरा झाड़ू वगैरह पूरा लगा दिया, ठीक है। जब भी कचरा जमा करता हूँ मुनु जाके फेंक के आती है और आज फिलहाल ये बनी है काम वाली बाई। देखता हूँ कहाँ पे फेंक रही है, बहुत देर से ऐसे करके फेंकोगे, आराम से फेंको, देखो खेत में फेंक दे रही है। क्या हुआ कुछ बोलोगे? काम वाली बाई चलो जाओ, पूरा काम बचा हुआ है। बतख लोग को देखो, ये है। तो दोस्तों फिलहाल पूरा काम खत्म कर चुका हूँ सफाई वाला, तो अभी जल्दी से नहा लेता हूँ। और विक्की कॉल किया था कि उसका लैपटॉप खराब हो गया, तो बोला कि भाई थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाना,
ठीक है, हम भी काफी जाएंगे, उसका लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है तो उसको बनाने के लिए, तो मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, ठीक है, तैयार भी हो जाता हूँ। दोस्तों फिलहाल मैं तैयार हो गया हूँ नहा धोवा के, और हमारी काम वाली बाई अभी तक तैयार नहीं है। नहा लो, तुम भी नहाए हो कि नहीं? चलो इसको पकड़ो, थोड़ा गैया माता को थोड़ा वो खाना दे के आता हूँ उसको। फिलहाल दोस्तों घास लेके जा रहा हूँ, चलो आओ 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 ना का बोलू, मैं शूटिंग कर रही हूँ तो दोस्तों फिलहाल मैं सुबह भी खाना दिया था इसको, घास मतलब, ठीक है, अभी भी दे दिया हूँ दोपहर का लंच, और कुछ देर बाद उसको पानी पिला दूंगा, और मेरे दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, देखता हूँ कितने देर तक आ जाता है। दोस्तों फिर से मौसम बना रहा है पानी गिरने का, ठीक है, और गैया माता को थोड़ा पानी पिला देता हूँ, क्योंकि ना अभी फिर पानी अगर गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर लाना पड़ेगा। उससे अच्छा घास फिर से दे दिया हूँ, पर मेरा दोस्त अभी तक नहीं आया है, बोला तैयार होकर रहना, कब से तैयार। लो पी लो, खाना पानी सब दे चुका हूँ, ठीक है, देख ही सकते हैं दोस्तों मौसम फिर से बना रहा है पानी गिरने का, और कल रात से जो लाइट गया है ना अभी तक आया नहीं है, पता है, फिर से मैं थोड़ा सा मोबाइल को ना फिर चार्ज कर देता हूँ। फिलहाल दोस्तों चार्ज लगा के 10 मिनट हुआ नहीं था कि भगवान की मेहरबानी से भाई साहब लाइट आ गया है, तो इसमें चार्ज लगाऊंगा ना तो जल्दी हो जाएगा, पता है, वैसे फास्ट चार्जर है मेरा, मुश्किल से आधा घंटा में फुल चार्ज हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल जा रहा हूँ थोड़ा शेविंग करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया और टाइम भी नहीं मिलता है, तो जल्दी से जाता हूँ शेविंग करवा के आता हूँ। दोस्तों कल रात बहुत ज़्यादा पानी गिरा ना, और दिन में भी पानी गिरा, सुबह से लेके अभी तक गिर ही रहा था, तो रुका है, तो बहुत बढ़िया मछली पकड़ने आ गए। अब देख ही सकते हैं मेरे पीछे बहुत बड़ा तालाब है, और यहाँ पे देख ही सकते हैं 3-4 बाइक लग चुका है, और वहाँ पर आगे चलता हूँ, देखता हूँ जब तक डिक्की नहीं आ जाता ना तब तक देख लेता हूँ मछली मिला है कि नहीं इन लोग को, बच्चे लोग फिर कुछ भाई लोग भी मछली पकड़ रहे हैं। हाय रे, इधर तो रास्ता ही ख़त्म हो गया है, पानी बह रहा है, देख के आता हूँ वहीं से। देख ही सकते हैं दोस्तों कितना पानी बह रहा है, और ये पानी ना पूरा भर जाता है, लेकिन इधर बारिश ही नहीं हुआ है, और यहाँ पे मछली पकड़ा जा रहा है। ओ देखो 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 घास में, देखता हूँ मछली मिला कि नहीं। हाँ एक तो मिल गया है, इतना सारा मछली मिल चुका है। दोस्तों फिलहाल बिक्की भी आ गया है, मेरे को खोज रहा है ना, अभी कॉल करेगा मेरे पास, जूम करके दिखा रहा हूँ, देख लिया है, पानी गिरा ना रात को तो वह मछली पकड़ रहा है, मिला है बहुत सारा। हाँ छोटा छोटा, तुम्हें जाना है क्या इसका मास्क करते, चटा तुम्हें जाना है मास्क करते, हाँ वो जो धरते सब जगह बहुत। फिलहाल दोस्तों शेविंग करवा के आ गया था बिक्की के घर, तो अभी बिक्की बोल रहा है कि नहा लेता हूँ, नहाने के बाद फिर जाऊँगा अंबिकापुर, उसका जो लैपटॉप जो खराब हो गया चालू नहीं हो रहा है उसको बनवाने के लिए, ठीक है। और देख ही सकते हैं मौसम फिर से कर रहा है बादल, चारों तरफ देख ही सकते हैं पूरा आसमान तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और बिक्की भाई फिलहाल झंडा लगा लिए हैं, और मैं भी जाऊँगा अंबिकापुर, तो अंबिकापुर से मैं भी एक झंडा खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे को भी लगाना है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, देखिए देख ही सकते हैं लहरा रहा है हवा में, हर घर तिरंगा है, और इसके घर में बहुत मस्त गैया माता जी हैं। फिलहाल दोस्तों आ गया था लैपटॉप लेके बनवाने के लिए, देख ही सकते हैं ये रहा शॉप, और बिक्की भाई ताला लगा रहा है, मतलब लॉक लगा रहा है गाड़ी में, और चारों तरफ देख ही सकते हैं झंडा वगैरह लगा है, कल का तैयारी हो रहा है जोरों शोरों से। ये ले, चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जर खराब है कि लैपटॉप खराब। दोस्तों लैपटॉप बनने में बहुत टाइम लगा, तो भूख लगा बहुत जोर से, तो आ गया था समोसा खाने के लिए, ठीक है, यहीं पे वेलकम होटल,
मैं और विक्की समोसा खाएंगे। इसको बहुत दिन से मन कर रहा था समोसा खाने का। फिलहाल दोस्तों हम लोग का समोसा लग चुका है, विक्की टेस्ट कर रहा है, कर लिया है। अच्छा है कि नहीं? गरम तो है, गरम है ना। तो दोस्तों अभी मैं भी खा लेता हूँ, भूख हम दोनों को ना बहुत ही जोर से भूख लगा। बहुत अच्छा। तो फिलहाल गांधी चौक में था और पानी फिर से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे रुका हुआ हूँ, छोटा सा टपरी है और भाई यहाँ पे गाना सुन रहे हैं। पानी स्टार्ट हो गया, देख ही सकते हैं गांधी चौक। हमारे आरएम सर कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, बताओ। तो चलो बैठो। और भाई अभी हम लोग को ले जा रहा है पुटी खिलाने के लिए, ठीक है? मैं को ले जा रहा है। मैं नहीं, भाई खिलाएगा। और इतना दूर से आए हैं हम लोग तो ये बोला कि भाई आ जा खिलाऊंगा, वहीं जा रहे हैं हम लोग तीनों खाने के लिए। और मौसम भी मस्त बना है ना, बारिश का मौसम, मज़ा ही आ जाएगा। मीठा वाला खाई खिला ना, मीठा वाला खिला वाला खाऊंगा। तो दुकान आया था फुल्की खाने के लिए, तो विक्की भाई टेस्ट करके बताएगा, अगर अच्छा लगेगा तब हम खाएंगे और 100 रुपये का खिलाएगा। कैसा है विक्की? इतना टाइम लगता है रिस्पांस देने में। और एक ट्राई करके देख ले, विक्की भाई ना ट्राई कर रहा है, पता है इसका। अच्छा था पहले वाला से अच्छा क्या था भैया? दूसरे वाले में क्या डाले हैं जो इसको अच्छा लगे, पहला वाला अच्छा नहीं लगा। दोस्तों फुल्की वगैरह खा लिया था और लैपटॉप भी बन गया है, ठीक है? क्या आ रहा है, लैपटॉप दिया था ना शॉप में, तो भैया बोला कि 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा है कंप्यूटर भाई बन गया ना। नहीं बना है, अदर बोर्ड हो गया। अब नुकसान नहीं हो गया, तो अभी सीधा जा रहे हैं झंडा लेने के लिए, ठीक है? तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों फिलहाल घड़ी चौक पे आ गया था, घड़ी चौक के पास ही यहाँ पे दुकान लगा हुआ है झंडे का, और देख ही सकते हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। लोगों में उत्साह देखने को ही मिल रहा है, लोग इतने ज़्यादा खरीद रहे हैं। और मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी एक ले लेता हूँ घर के लिए। आना पसंद करना, एक है सर। तो भाई देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा है, छोटा बड़ा सब लगा हुआ है। मैं फिलहाल एक बड़ा वाला लेता हूँ। भैया कितने वाला है मैडम? कितने वाला है? और 50 वाला तो मिल रहा था, ये है इसको दे दीजिएगा। तो भाई ले लिया हूँ मैं झंडा, घर में जाके फहराऊंगा, ठीक है? और देखिए सब मार्केट, इतना ज़्यादा भीड़ चारों तरफ, बहुत कोई ले रहे हैं। घड़ी चौक के सामने लगा है स्टॉल, आप लोग आके यहाँ पे ले सकते हैं, चलें। दोस्तों देख ही सकते हैं अभी लाइन लगी है, हुई है झंडों की। जय जय मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। फिलहाल दोस्तों घर आ गया था और अभी जल्दी से उसको सेटअप करूँगा, बड़ा सा डंडा में लगाऊंगा, ठीक है? और गैया माता को और थोड़ा सा खाना दे दूंगा, मतलब घास, ठीक? मोनू लोग कहाँ पे पता नहीं, मोनू कहाँ? उस घर में भी ताला बंद, इस घर में भी ताला बंद, और चाबी दे के गया था अभी मैं, कहाँ पे जाऊँ? चलिए कॉल कर लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे है। तुम ताला बंद करके कहाँ चली गई थी? देखो तो मैं यहाँ पे, देखो वो घर भी ताला बंद है और पानी गिर रहा था इसलिए मैं यहाँ पे आया था। मैं तो आपके लिए पानी से वहाँ से यहाँ तक आई हूँ। और ये देखो क्या है, एक खाली एक हो? हाँ एक ही को लगाएंगे, उल्टा पकड़ लो, सीधा पकड़ो। ऑरेंज ऑरेंज जो है केसरिया रंग वो ऊपर रहता है। बोलो जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, वंदे मातरम। अरे ये तुम्हारे लिए है, मेरे लिए। हाँ तो बांस का डंडा कैसे टांगेंगे? अभी नहीं टांगेंगे ना, क्योंकि पानी गिर रहा है तो भीग जाएगा। और तुम भी अंदर आ जाओ, भीगोगे क्या? नहीं पानी देखो उधर जोर से आ रहा है, बिल्ली भी आ रही है, काटेगा काटेगा काटेगा। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नया है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। बाय। जय हिंद, जय भारत।